बोल दिए, इंस्ट्रक्शन दिए हुए, तुम खड़ा मत रहो। हमको तो खड़े दिखा इसीलिए बोले। तो इधर पापा को बोले कढ़ाई मत पोछ बाबा, उसे कमा के लाओ तभी हमरा ना दही खाए ले बाबू से बोलने। सब हाय रे हमर ब्लाउज पेटी कोट सब पटक के भाग। मेरी मदद करना चाहते हैं तो मदद करने के लिए आइए, हम आपको अपना एड्रेस बता देंगे। तू मदद क्या करेगी, पेट देखिए एकदम नौवा महीना चल रहा है बाबू, ऐसा गुनु साड़ी लीजिए मैडम के लिए लीजिएगा क्या? स्कूल में भेजने का नहीं सोच रही थी क्योंकि गैस वैस हमारा बाहर है, धूला नहीं था, तो सुबह मैं नाश्ता बना कर लंच बना कर उसको खिला देती, इसीलिए मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ आज। लेकिन अभी उठी है, कितना 7 बजे तो बोल रही स्कूल जाएंगे। अब हम भी सोचे कि चलो दिन भर क्या ही करेगी घर में रह के, तो देख रहे रात का रोटी एक है बचा हुआ, जो रोटी मैंने पापा और इसके लिए बनाया था, तो एक रोटी बचा है, बस जा रही हूँ टमाटर किसी तरह पका दूंगी और खा लेगी और स्कूल चली जाएगी, और लंच में ना कुछ बिस्किट वगैरह दे देंगे क्योंकि घर में रहेगी ना तो पूरा दिन वो और बाबू मिलकर परेशानी करेंगे, और 25 तारीख से उसका एग्ज़ाम है तो रिवीजन हो जाएगा। आज भी बहुत सारा काम है, पता नहीं आज क्या होगा, कल तो किसी तरह दिन निकल गया भगवान और आप सभी की कृपा से तो हो गया। ये काम बहुत बड़ा टेंशन वाला था क्योंकि एकदम कोई बाहरी आदमी नहीं था, घर का आदमी था, तो इन लोग थोड़ा आता नहीं है, पापा को तो आता है लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं आता है, तो वो ही गया लगभग। शगुन को देखे तैयार कर दिए और पापा है सो बना रहे हैं टमाटर का चटनी, मिस पे रहे हो गया। ए सूज पहनो, सूज नंगे पाव मत जाओ। मुंह क्यों बनाते रहता है, टमाटर का चटनी फटाफट से। पापा पूरा मिस के एकदम हलवा बना दिए, हमसे मिस आता भी नहीं कभी कभी। चलो सब जल्दी आओ, वाह लाजवाब लाजवाब चटनी। ओ मेरे को भी सुगंध आ गई। एक या सगुन के मुंह में टमाटर का चटनी और रोटी, कैसा लगा चटनी? नहीं ठीक है क्या? ए मुंह बना रही हो, नहीं अच्छा लगा क्या? अच्छा जल्दी करो जल्दी। तो हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता, नाश्ता में आलू का पराठा बनाएंगे, शाम को आलू ला दिया था दुकान से ही। अब पापा को बोल दिए, इंस्ट्रक्शन दिए हुए, तुम खड़ा मत रहो। हमको तो खड़े दिखा इसीलिए बोले। तो इधर पापा को बोले कढ़ाई मत पोछ बाबा, वो सब नीचे रहते हैं, वो सब छोड़ दी। तो पापा को बोले जितना भी ये सब डब्बा है इस सब कांच का बर्तन है जो मिला हुआ है इसको ऑफिस से हर एक साल इधर उधर से, तो हम लोग रखे हुए ही हैं, इस्तेमाल तो कर नहीं सकते क्योंकि बच्चा के घर में सब, तो रख देते हैं, तो इसको छज्जे में रखना है, तो जो जो छज्जा में रखना है वो रख के जाएगा। पापा पोछ दे रहे हैं सब, चढ़ाते हुए जाएगा। पापा से हम ब्रश मांगे ना तो पापा कह रहे जी भी, तो हम सच बोले जी भी नहीं करते हैं। हाँ ये सच बात है, हम जी भी नहीं करते, कभी भी टंग साफ नहीं करते, पता नहीं ऐसा नहीं नहीं करते है, मतलब ना बाबू हुआ ना उसके बाद मेरे पास इतना समय ही नहीं बचता था कि हम ढंग से ब्रश करें, तो हम जीभ कब खखोरते, तो इसके लिए क्या ना छोड़ दिए जीभ करना। रोते रहता था छोटा सा बच्चा, आप समझ रहे कोई नहीं रहता था, तो तब से ही हम जीभ उभी करना बिल्कुल छोड़ दिए, तो आप तो करते ही नहीं है, ला भी दिया तब भी नहीं करते हैं, मेरा टंग भी बिल्कुल साफ रहता, आप लोग को दिखाएंगे नहीं। और तुम ऑफिस जा रहे हैं जी मालकिन, तो घर में काम के कर, तो अभी घर में काम पसरा लो बाबू, कमा के लाओ तभी हमरा ना दही खाए ले बाबू से बोलने। सब बाकी जो बचा हुआ काम तुम लोग कर लेना, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया। अच्छा क्या पैर धोना चाह रही है? भाग यार ले पो, ऐसे क्यों रोक रहे? अब बेटा तो फोन दे, कौन रोक रहा? दे दो पापा को फोन दे दो बाबू, एक पराठा खाया, डेढ़ आलू का पराठा, पतला पता ही था, पला था है, और कपड़ा हम लोग सुखाना। पापा तोड़ रहे चना, चना का साग, क्योंकि एक तो सब्जी भी नहीं लाया था इसका पापा कल, तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए दोपहर के लिए। सबसे टफ काम है क्योंकि कॉकरोचेस इसमें भी आ गए हैं और अंदर चला जाता है, घुस गया है, तो मेन इसका साफ सफाई करना, इसका कपड़ा को धूप लगाना है, और उधर भी साइड्स के सामान रखवाए हैं बहुत कायदे से कि
कि पिछले बार क्या था ना, जैसे जैसे फेंक दिया था सब लोग, आप यही इसका पापा, लेकिन घर जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो इस बार फाइनली हम लोग अच्छा से रखे। अब क्या है कि जो रजाई वजाई होगा सब एक साइड रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा, और मुश्किल काम यही है मेरा। पापा पापा को जब से बोल रहे ना तो पापा उल्टा सीधा काम कर रहे, कभी दरवाजा पोच रहे कभी कुछ, और आज हमको हर हाल में कपड़ा लपड़ा सुखा के इसमें रख देना है क्योंकि पापा के पास ज्यादा समय नहीं है, पापा घर जाएंगे और हमारे पास इतना दम नहीं है, और इसके चलते हम समझिए कि पूरा घर को साफ करवाया है, पैसा मेरा लगा, सब कुछ मेरा लगा, मेरा आदमी तो कर भी नहीं रहा था, क्या ही बोले। देखिए एक अपना वाला खोपड़िया में लगा लिया है और दूसरा वाला टमी में लगा लिया है, क्या करते रहते तुमने, क्या करते रहते आप तुम्हारे पापा से। पापा ना इतना बदमाश है ना, पापा को फिनाइल दवा है दारू ये सब नहीं छूते हैं, सोचते डायरेक्ट मुंह ही में घुस जाएगा तो फिर पापा को फिनाइल से क्या ना कॉकरोच मरता है ऐसा हम सुने हैं। फाइनली पापा खोल रहे हैं और उधर रखे हैं वो व्हाइट व्हाइट देख रहे होंगे, बड़का सबसे बड़का हो पापा भी मेरे भी बोले हाँ हो पप्पा तू ना जानी हो तो मेरा खुल रखा जाना हो सब कपड़े में निकाला। अच्छा देखिए कॉकरोच चप्पल मारते चप्पल जूता चप्पल जूते मारे पड़ते का बोले गरीब का है गरीब का, प्लीज आप लोग मदद करिए थोड़ा मेरे गोदरेज में रंग बिरंगा कपड़ा भरने का। हैंगर उतारिए सबको, हाँ सारा कपड़ा उसी तरह ले जाके और कारपेट में रखिए धूप में, सारा कपड़ा लेते जाइए सब ना नुहा रख ना धूप में, हाँ टैंग भी सकली वगैरह टैंग दिया है तेरी पापा, अच्छा पापा अच्छा दिमाग लगाते हैं, उसको टांग देंगे उसमें, देखिए मस्त टांग दे रहे देखिए गिर तो देखिए गिरा रखे सब, हाय रे हमर ब्लाउज पेटी कोट सब पटक के भाग गए हमर पापा। हाँ हाँ उन्हें तरी आगे करके हाँ हंसी आ रहा, पापा उठा रहे था पापा क्या काचे बोल ली पापा फिर से बोल था बोले कपड़ा किसको देना है ना, पापा इस तरह से नहीं बोले थे, पापा बोलते इतना ककड़वा ककड़ा दब ही बताइए तो हम कब मरने जा रहे, मेरा कपड़ा किसी को दिया जाएगा। चूड़ियों को इसमें रखवा रही हूँ मैं, हीरे मोती से जड़े हुए मेरे चूड़ी एक और आ गया देखिए कितना सुंदर चमक 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 रहा है, ये सारा मेरा कलेक्शन है सालों से, 7 साल 10 साल 15 साल कोई चूड़ी मेरा पति ने कहेगा कि हम खरीद दिए हैं, एक एक करके रोज पहन पहन के पुराना करेंगे फिर खरीदेंगे। तो कहा ऊपर छोड़ दे भी का सब कर भी यार ऊपर छोड़ दे भी, तो लगभग सारा खाली हो गया है, और गिरा मेरा बर्थडे वाला सब, दारू का खाली हो गया उधर रखा है पापा, उसको सही से पोछेंगे अभी बहुत अच्छे से। और देखिए जब गोदरेज हम खरीदे थे पैसा हम दिए थे पूरा, फिर इसमें हमारा हस्बैंडवा का नाम काहे है का लिखा है फाइनल सूरज, हम खरीदे थे अपना पैसा जमा करके हो गलो। अब तू पोछ हम जाइए वहाँ कपड़ा लत्ता देखे सब निकाली डाली ना उसी में सब झोलवा में कुछ ही एक में झोला में ऊपर में तो हमको भी नहीं पता चलता क्या है कि वहाँ तुम किसी तरीके से नहीं देख पाएंगे क्या है नहीं है सामान वामान सब डाले घर में एकर में डाल। और चल पूछती है कब का गैस गोदरेज को पूरा अच्छा से, और हम थोड़ा देख फैला दे रहे थे जिसमें पानी नानू दे देंगे मांगो नानू से, तो सब सुखा दे रहे पलट पलट दे रहे, और हम जा रहे बर्तन धोने के लिए, देखिए बर्तन डब्बा वब्बा धो लेते कल तो नहीं कर पाए थे, खाना खाने जा रहे। अच्छा ये बाल देख रहे हैं ये बाल ना मतलब साफ सफाई कर रहे थे सोचे कहाँ रखेंगे बाद में नहीं मिलेगा रखा हुआ चीज़ तो कहाँ रख दे, सबसे सेफ्टी चीज़ मेरा माथा लगा तो इसीलिए मलिंगा लग रहा मलिंगा। अच्छा भात खा रहे पापा उधर खा रहे, इधर हम लोग का खाना है चना साग डाल दिए हैं दाल में, और सीमी तोड़ दिया था किस वह 3 गो इधर ही से 3-4 गो तो सीमी भी डाल दी है, दाल मिक्स बनाया थोड़ा सा चोखा बचाया अचार है भात है बस है, इधर शगुन है शगुन राधे राधे बोलो राधे राधे अंकल आंटी बस शगुन दिन कर राधे राधे अंकल आंटी बस शगुन दिन कर राधे राधे अंकल आंटी।
मजून दिनकर पैंट नहीं पहना है। मेरी मदद करना चाहते हैं तो मदद करने के लिए आइए, हम आपको अपना एड्रेस बता देंगे। तू मदद क्या करेगी, पेट देखिए एकदम नौवा महीना चल रहा है बाबू, ऐसा बोलूँ इसमें खाना खाने के बाद ना मेरा पेट में आधा इंच भी जगह नहीं रहता, इसलिए हम भात नहीं खाते हैं। भात खाने के बाद ना लगता है सच में काहे खा लिए भगवान, पेट में गोला उठता है कोई काम। मुंशी जी कहाँ, मुंशी मतलब कोकरा बोलो ही मुंशी हो, पापा को बोल रहा है यहाँ पे। हम जल्दी जल्दी कपड़ा फोल्ड करके देते जाएंगे और हाँ वो अगर रहे दिन की चांस ऐठक है तो देखिए फेंक दल कर। अरे तू पहले यहाँ मदद कर, हम छोड़ दो जो लाल निकाल, लाल निकाल इनको ना, मम्मी ही सकती है हम नहीं सकते हैं। देख रहे इतना कपड़ा ढेरी लगा, अभी दो बज गया, दो से ज्यादा हो गया दोस्तों, 19 हो गया, 2:19 अब फटफट रख लेंगे तो फिर ठंडा फंडा का गांव करम कपड़ा, अभी एक ट्रिप का बर्तन धोए देखिए फिर जुट्ठा पट्ठा हो गया, बक्सा जो था वो खोल खाल के धो पोछ पाछ के रख दिए सब कुछ, बस इधर बाकी है। सबसे बड़ा समस्या यही है साड़ी टांगना, ले जिया मैडम के लिए लीजिएगा क्या, साड़ी है लहंगा देता हूँ फ्री में मिलता है क्या, पैसा में दे रहे। देखिए सीमिया वाला आंटी लोग उल्लू बना के पैसा भी नहीं दी, देखेगी तो चिल्लाना, तो सीमिया वाली आंटी लोगों पहचानती है ना, करो ओ वीडियो बना के रखे हैं, पैसा दीजिएगा मेरा कि नहीं, भलाई का जमाना नहीं है, मेरे सिम का पैसा नहीं मिला अब तक, गुस्सा आ रहा है हमको, उल्लू बना दिया सब हमको। अम्मा बाजार लगा लीजिए, सुनो बंटी को आने मत दीजिए। हाँ सुनो ये हम तुमको फोल्ड करके देते जाएंगे, नानू को तुम बताना कि कौन साइड मेरा रहता है कौन साइड तुम्हारा, और जो साइड बताएंगे वो सब नहीं, पहले तो गोदरेज में रैक वाला सब उधर कपड़ा, ठीक है। और एक बार बाबू को दिखो तो, देखो बाबू कहाँ गया, देखो हाँ बुलाओ बुलाओ हाँ। अरे यार जाओ ना, स्टोरी बड़ी सुनाती हो तुम, बोलो मम्मा बिस्किट दे रही है, बस बिस्किट स्पेशल वाला, ऑन कर दे, यही रहो यही रहना, हो गया। अरे कपड़ा किसी तरह उठा उठा के अंदर किए, और अभी अनीस आया है, लगेगी भारी है वो बक्सा, इस रूम में बैठ के नीचे जब बता दो सगुन जहाँ रहता है वहाँ, नानू तो देखबे किए हैं, तो उसमें कॉपी किताब पुरजा सुरजा खुरजा, कितना पेचीदा काम हम औरतें करती हैं, बाप रे बाप, इतना आदमी लोग करेगा ना उन लोग का सर खुज आ जाएगा, सब हौज पोछ कर देगा, हम लोग क्या करते सलीके से रखते हैं, और हाँ इधर याद भी रखना पड़ता है कौन सामान किधर है, एक ये बंगट रहेगा सामने ना पॉल्यूशन फैलाएगा। कपड़ा सब रखा गया जितना था, हॉल टोटल गोदरेज में जैसे निकाले थे वैसे रख दिए, और ये दो चूड़ी पापा ने भी रखे थे तो हम डाल लिए हाँ, और किचन का भी सेट नहीं किए हैं, तभी चलते हैं ये सब सेट करेंगे, गैस धो दिए पूरा चूल्हा चमचमा के एकदम छमछमा के, फिर कुछ दिन में हो जाएगा बमबमा के, मतलब गंदा कपड़ा था आधा धो लिए आधा सर्फ में डाल लिए, और कुल मिला के शाम हो गया मतलब रात होने ही वाला है, और फ्रेश से रखा हुआ है, इसी तरह उस रूम में भी रखा हुआ है, हम उस रूम में गए ही नहीं हैं, मतलब सुबह से जो बाहर बैठे हैं, पहले नाश्ता बनाए फिर उधर गए फिर उधर से कपड़ा उपड़ा ये वो किए सुखाए उखाए फिर बर्तन तर्तन फिर उधर से उधर, मतलब हम अभी आए हैं शाम को इधर, तो खाना भी हम लोग वहीं खाए थे दोपहर में। चलिए दोस्तों मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, पापा अभी भी बहुत कुछ कुछ कर रहे हैं, और बच्चा लोग जा रहा है होम थिएटर बजा के गाना सुनेगा, और हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सा व्लॉग लेकर के, और बहुत ही मच्छर है पीछे से आगे से दाएं से बाएं से काट रहा है, क्या ही बोले इतना छोटा ना तो हम भी काट देते हैं।